हेलो। हेलो। हाँ भाई। हाँ दीदी। कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे दीदी, आपको कुछ याद है या कल के लिए मेरा भूल गई? कल मेरा बर्थडे है। ओ हाँ, कल तो तुम्हारा बर्थडे है। हाँ मैं तो भूल ही गई थी यार। हाँ दीदी, आप आ रही हो ना कल? नहीं नहीं यार, मैं नहीं आ सकती, मम्मी जी बोलेंगी। पिछले हफ्ते ही तो मायके गई थी, अब दोबारा चली गई। नहीं नहीं यार, शादी को अभी ज्यादा दिन थोड़ी हुए हैं। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं आ सकती। ठीक है तो मैं आ जाता हूँ आपके पास, ठीक है? नहीं नहीं तू भी मत आ, फिर ना कितना अजीब लगेगा कि इसके मायके से लोग आते ही रहते हैं रोज के रोज। तू भी मत आ यार, रहने दे इस बारी। अरे दीदी, आपको पता है ना मैं आपके बिना बर्थडे नहीं बना सकता। मैं अगली बार तेरा बर्थडे अच्छे से मनाऊंगी, पक्का पक्का, प्रॉमिस। अरे यार ठीक है, चलो मत आओ, मैं अपने फ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर लूंगा। आप तो ऐसे ही करती हो। क्या करूं, भाई के जन्मदिन में जाने का तो बहुत ही मन था मेरा, लेकिन अभी नई नई शादी हुई है, मम्मी जी गुस्सा हो जाएगी अगर मैं चली गई तो। हेलो। हाँ बेटा। आंटी नमस्ते। और बताओ दीदी, आपकी सेवा कर रही है ना पूरी फुल? अरे सब बढ़िया, यहाँ तो सब बढ़िया, हम भी बढ़िया, तेरी बहन भी खूब बढ़िया है और खूब अच्छे से रह रही है, खूब हमारी सेवा कर रही है। लेकिन एक काम कर, तू जहाँ भी है और जिस भी हाल में है और जैसा भी बैठा तुरंत घर चला। आंटी आज आना पड़ेगा मेरे को? मेरे को तुझसे कुछ बात करनी है, तेरी बहन के बारे में कुछ बताना है। ठीक है मैं आता हूँ। फटाफट आ तू। हाँ कितनी देर में आ जाएगा? अच्छा ठीक है, आ फटाफट आ जल्दी। मुझे लग रहा है दीदी ने कुछ गलत कर दिया, वरना आंटी कभी भी ऐसे फोन नहीं करती मेरे को। अरे क्या हुआ, कैसे उदास बैठी है? अरे उदास नहीं, मैं तो फोन चला रही थी, बस भाई का कॉल था, ऐसी हंसी मजाक कर रहा। क्या कह रहा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ बता रहा था। अच्छा चल बहन भाई, मुझे ऐसे चलता रहता है। आजा आप तो नीचे आ, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। क्यों क्या है? आना साथ। अच्छा यार घर में तो कोई नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा दीदी से कुछ गलती तो नहीं होगी। चलो अंदर जाके देखता हूँ, मैं तो कपड़ों में भी ऐसे ही आ गया। भाई तू क्यों आया? नमस्ते आंटी। नमस्ते, खुश रहो बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, लेकिन तू आया क्यों है? अरे मुझे आंटी ने कॉल किया था, मैं इसलिए आया हूँ। अरे हाँ बेटा, मैंने बुलाया इसे। पर आपने क्यों बुलाया? मैंने बुलाया क्यों? मैं बुला नहीं सकती, मेरा बच्चा नहीं है। और जो तू बातें कर रही थी ना फोन पे, वो मैंने सारी सुन ली थी तुम्हारी। नहीं नहीं तू भी मत आ, फिर ना कितना अजीब लगेगा कि इसके मायके से लोग आते ही रहते हैं रोज के रोज। तू भी मत आ यार, रहने दे इस बारी। तो एक बात बता बेटा, रिश्तेदारी हमेशा दोनों तरफ से चलती है, अब तू ऐसे फोन करके इसे मना कर रही है। तेरा भाई है, इसका बर्थडे है और तू इसे मना कर रही है, तो हमारा हक नहीं बनता कुछ? तेरा नहीं बनता बेटा? अब तेरी शादी हो गई थी क्या? तू अलग हो गई है? तू पराई हो गई है? तू इनके लिए वही बहन नहीं है? तो ऐसे क्यों बोल रही थी? मुझे लगा आप लोगों को पसंद नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा भी ना होता है, हमें बहुत पसंद आओ, केक काटेंगे मिलकर, बर्थडे मनाएंगे। चलो हेलो भाई, केक काटो और अपने भाई का बर्थडे मनाओ, सेलिब्रेट करो। दोनों बहन भाइयों ने हमेशा किया है ना, तो आज भी करोगे। लो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले आप बहन भाई खाओ तो, और आप भी रहो। और एक बात मैं बताना चाहूंगी आप सबको, इस वीडियो के जरिए हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि बेटी का हक उतना ही ससुराल पर जितना होता है उतना ही अपने उसके मायके पे भी है। और मायके में भी, ससुराल में आके मायके वाली चीजें ये ना समझे कि मैं अपने भाई के बर्थडे में कैसे जाऊं, कैसे मनाऊं, या उसे यहाँ बुला के मैं मना सकती हूँ कि नहीं कर सकती। नहीं, पूरा हक है, उसे अपने भाई को बुला सकती है, अपने मम्मी पापा को बुला सकती है, अच्छे से बर्थडे मना सकती है, सेलिब्रेट करते हैं और सब दोनों फैमिली मिलकर जिस टाइम करेंगे तो बहुत ही अच्छी होगा। तो ऐसा नहीं है, बेटी का पूरा अधिकार होता है अपने बहन भाइयों पे, माँ बापों पे, सास ससुरों पे, जैसे वो अपने मायके को लेके चली ऐसे अपने ससुराल को लेके चले। और यही बस एक छोटा सा संदेश है हमारा, बहुत अच्छे से मनाएं, हैप्पी बर्थडे।